कोमलता से बंद कर लीजिए। मेरे साथ सभी एक बार परमपिता के पावन नाम ओम का उच्चारण करेंगे। इस भावना के साथ, इस श्रद्धा के साथ कि हम इस समय अपने महान पिता की गोद में उपस्थित हैं और अत्यंत श्रद्धा से नत होकर उनकी उपासना कर रहे हैं। शिरोमणि, विद्वत शिरोमणि कहूँ या क्या कहूँ, हमारे सबसे वर्तमान काल में सर्वोच्च स्थान पर पहुँचने वाले आचार्य श्री स्वामी ब्रह्मविदानंद जी महाराज, श्रद्धेय स्वामी शांतानंद जी महाराज, मंचस्थ विद्वतगण, वंदनीय मातृशक्ति धर्मप्रेमी सज्जनों, पवित्र आत्मा, यहाँ रहते हुए आपको लगभग कितने दिन हो गए? 26 दिन। तो इतना तो पता चल ही गया होगा कि आपकी परीक्षा होती रहती है, हमारी भी होती रहती है, आपकी भी होती रहती है, प्रश्नोत्तर होते रहते हैं ना। तो इसी शैली में ही मैं फिर आपसे पूछूंगी, क्या कोई गाड़ी असमान पहियों से चल सकती है? चल सकती है जी, माता जी बताएंगे, बहने माताएं आप लोग बताएं, नहीं चल सकती है ना, नहीं चल सकती। और जो सृष्टि की सबसे बड़ी प्राणी जगत में सर्वोत्तम गाड़ी है, सर्वोत्तम शरीर वाली, वो असमान पहियों से चल सकती है? तो प्रश्न का उत्तर होगा वो तो बिल्कुल नहीं चल सकती। और आप कुछ बता सकते हैं वो कौन हो सकता है, कौन सी जाति सर्वश्रेष्ठ है सृष्टि में? मनुष्य, मानव जाति, यही है ना। और मानव जाति के दो पहिए कौन से हैं? नारी और पुरुष। और दोनों के पहिए समान हैं? बताइएगा समान हैं या नहीं, हाँ या ना भी बताइए। और समान नहीं करने में कौन दोषी है, कौन है जी, सत्य बताना है। क्यों जी, माताओं बहनों आपको स्वीकार है, आपको स्वीकार है अपना दोष?
क्यों माताएं बहनें बताएं ना, इधर से तो आ गया। जिनकी आप सहायता कर रहे हैं वो आपको दोषी कह रहे हैं। अब आप सोच लीजिए, सोच सकते हैं? आप जिसको बना रहे हैं वो आपको कह रहा है आप मेरा संकेत क्या है? मेरा संकेत ये है, आप कहीं भी जाइए, किसी भी भाई को, किसी भी विद्वान को, मुझे तो 34 वर्ष हो गए देखते हुए, शायद ये शायद नहीं सत्य है, ये संस्था अभी बनी भी नहीं थी, दर्शन योग महाविद्यालय का अस्तित्व नहीं आया था जब मैंने हाथ खड़ा किया था 1985 में। और 85 के बाद पूज्य स्वामी जी ने मुझे प्रथम सत्र, द्वितीय सत्र, तृतीय सत्र सबके भेजे, क्योंकि मैंने हाथ खड़ा किया था, उसी समय उन्होंने मेरा पता ले लिया था। और यदि मैं पुरुष होती तो कहाँ होती, और यदि मैं नारी शरीर में हूँ तो कहाँ हूँ, और उसका दोष किसको जाएगा, आप बताएं बताएं बताएं। उसको देखिए आप, अंतर को क्यों नहीं हम पाट पा रहे, ये बहुत प्रयास किया गया कि हो जाए ऐसा कार्य, स्वयं पूज्य स्वामी जी द्वारा भी हुआ, 3-4 बार तो उन्होंने ही प्रयास किया कि नारी जाति के लिए भी एक संस्था हो जाए, क्योंकि मैं साथी थी इसलिए मुझे पता है। उस समय मेरी आयु 17-18 वर्ष की थी, और आज मुझे 34 वर्ष हो चुके, मैं अब 52 वर्ष की हो चुकी, लेकिन अभी भी जस के तस। और इसी वर्ग ने कितने विद्वान बना लिए, यदि इसकी भी हो जाती, ये जो दूसरा पहिया है, तो क्या इसमें से भी दुष्यां नहीं निकलती, क्या इसमें से कोई ऋषि नहीं बनता, बनता ना। जब मेरे सामने प्रथम सत्र में बने, द्वितीय सत्र में बने, तृतीय सत्र में बने, तो पूज्य स्वामी जी क्या हम में से नहीं बना सकते थे, बना सकते थे, लेकिन क्या हुआ, हर बार न तो इस पहिए ने और न इस पहिए ने किसी ने सहायता। और ये देख के चलिए आप, यदि यही स्थिति रही तो परिणाम क्या होगा। मैं किसी भी विद्वान से मिलती हूँ, किसी भी भ्राता से मिलती हूँ, किसी से भी मिलती हूँ, वो अपनी बातचीत में एक बात ज़रूर कहते हैं, और मैं आश्चर्य से कहती हूँ बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये ऐसा हमारे साथ हो तो कितना अच्छा हो। वो कहते हैं जी मुझे उस माता जी ने दे दिया था सहयोग, मुझे उस माता जी ने कहा तुम्हें भिक्षा मांगने की क्या ज़रूरत है, तुम यहाँ आके खाना खा लिया करो। और ये माताएँ इस वर्ग को जितने प्रेम से खिलाती हैं ना, अब अपने आप को खिलाना शुरू कीजिए, थोड़ा सा अपने आप को खड़ा करना शुरू कीजिए, अपने लिए सोचिए। आज आपको यहाँ आना पड़ रहा है, और कब तक आएंगे आप, और फिर ये कहाँ बनेंगे, आप भी विचार कीजिए। कहाँ जन्म लेंगे, आप सबका मोक्ष होने वाला है क्या, किस किस का मोक्ष होने वाला है, अगला जन्म नहीं मिलने वाला। तो अपने लिए प्रबंध करके जाइए, आप भी और आप भी, यदि प्रबंध करना है तो कहाँ, अभी सुन रहे थे ना आप, राष्ट्र निर्माता कौन है, किसके लिए बता रहे थे, मातृशक्ति सबकी निर्माता है, और उसको अपना निर्माण करना नहीं सूझ रहा। और आपको भी कहाँ जन्म लेंगे, मुस्लिमों के यहाँ, कहाँ लेंगे, ईसाइयों के यहाँ, कहाँ लेंगे, कौन सी संस्था है आपकी, मुझे बताइए, अरे जगत में बताइए। और संपन्न हैं, नहीं करते हैं तो ईश्वर से उतने ही ज़्यादा दंड के भागी होंगे आप। अब ये और सुनिए कि हमें करने को क्या कहा है, किसको ज्ञान दिया था ईश्वर ने, ईश्वर ने किसको ज्ञान दिया था सृष्टि के आदि में, नचिकेता जी नाम बताएंगे, अग्नि वायु आदि थे, चार ऋषि थे ना,
अब उनमें कौन कौन ऋषिकाएं हुई वो बाद में पढ़ी होंगी या नहीं, और उनको किसने पढ़ाया होगा? उन्हीं ऋषियों ने पढ़ाया होगा ना। और ऋषिकाएं एक नहीं हुई हैं, सूक्तों के सूक्तों की ऋषिकाएं हुई हैं, घोषा, अपाला, इंद्राणी, उर्वशी, कितने नाम गिना दूं मैं। पिता बन के पढ़ाया है, पति बन के पढ़ाया है, भाई बन के पढ़ाया है ना। ऐसे पिता बन के अपाला को पढ़ाया है, मैत्रेय को किसने पढ़ाया? हाँ, पढ़ाया है। गार्गी को किसने बनाया है? बनाया है ना। और ये बनने के लिए थी ना तब उपस्थित, अपने लिए खड़ी होने के लिए थी। महर्षि मनु ने क्या कहा, क्यों कहा कि नारी को भी इनको अपने जैसे पढ़ाने वाली होनी चाहिए, इनको अपने जैसे पढ़ाने वाले होने चाहिए? यदि नहीं होता ऐसा विधान तो क्यों कहा ऋषियों ने? और इस विषय में उन्होंने स्पष्ट कहा, इसको तीन विषय अवश्य पढ़ा। कौन से तीन विषय पता है किसी को? नारी को तीन विषय कौन से हैं बताइए, बताइए बताइए। और व्याकरण, ये तीन विषय तो अवश्य पढ़े नारी, ये ऋषि कहते हैं। क्यों? क्योंकि आयुर्वेद पढ़ेगी तो उस वो घर से ही चिकित्सा और सारा शास्त्र जानेगी, आयु लंबी करेगी, अपनी भी परिवार की भी सबकी निर्माण कर पाएगी, स्वस्थ संतान होगी। व्याकरण की शिक्षा इसलिए अनिवार्य थी क्योंकि ये शुद्ध बोलेगी तो मातृभाषा बचपन से ही वो सिखा पाएगी। शुद्ध उच्चारण, शुद्ध हमारे यहाँ उच्चारण अवश्य होता था। और तीसरा गणित, क्योंकि इसके पास व्यवस्था का काम होगा सारा घर का। एक घर में यदि धन इसके पास आना है तो इसको सारा व्यय आना चाहिए, इसको गणित के हिसाब से पूरा कार्य करना आना चाहिए। ये तीन तो अवश्य पढ़े, ये लिखा है प्रत्येक नारी के लिए तीन ये विद्याएं तो पढ़े ही। इसके अतिरिक्त जिसमें रुचि हो, ये भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य होती थी। आप उठा के पढ़िए वेद, महर्षि के यजुर्वेद को उठा के पढ़िए, उसमें नारियों का न्याय रानी करती थी, उठाइए, पुरुष नहीं करते थे। सेनापति और रानी जो उनकी पत्नियां होती थी वो बैठती थी, न्याय पुरुषों का पुरुष करते थे। तो कहाँ गई आपकी वो गरिमा अपने लिए, क्यों चली गई, कब जागेंगी आप सोचिए कि कोई तो ऐसा अच्छा, इसी जन्म जो आप स्वयं मान रहे हैं कि आप मोक्ष में जाने वाले नहीं हैं, इसी जन्म में अध्यात्म विद्या का जितना आप कार्य कर जाते हैं वो साथ जाता है, आगे जाता है ना। तो जब वो साथ जाता है तो इतना तो करके जाएं आप कि आगे आपको बचपन से या आपका जन्म ऐसे स्थान में हो कि आपको ये विद्या शुरू से मिल जाए, ऐसा तो करके जाए ना। ऐसी संस्था तो बना के जाएं कि आपकी पीढ़ी उसमें से कोई निकलना चाहे तो वहाँ जाके पढ़ सके, आप अंत में साधना करना चाहें तो कर सकें। मुझे तो कोई मिला नहीं, इतना संघर्ष करते करते मैं ईश्वर को पकड़े पकड़े यहाँ तक आ गई, ईश्वर मुझे पकड़े रहे और मैं उनको पकड़े रही, बस पहुँचा दिया। लेकिन अब और कब तक आप नहीं समझेंगे, नहीं समझेंगे तो उसका परिणाम भी विचार लें। अगर आपने अभी भी नहीं समझा तो फिर कब? आज आपके पास संस्था होती तो आप इन भ्रातृवर्ग को, आचार्य वर्ग को, जिनको भी महापुरुषों को बुलाकर स्वयं ले सकते थे ना शिक्षा, जैसे ही करते हैं कर सकते थे ना। लेकिन आपके पास कोई स्थान ही नहीं है, आप दूसरे पर आश्रित रहना चाहते हैं, कब तक रहेंगे? जब आप इनको बल दे सकते हैं तो आप स्वयं क्यों नहीं खड़े हो सकते, क्यों नहीं हो सकते बताइए। इनमें से जितने ये बैठे हैं ना, इनमें से किसी से भी पूछ लो, जितने भी ये आचार्य वर्ग है, कि आपको माताओं बहनों ने अधिक सहयोग किया है या भ्रातृवर्ग ने किया है, ये सत्य बता देंगे, पूछ लीजिए, वो हंस रहे हैं, मैं सत्य बता रही हूँ, आचार्य जी से पूछ सकते हैं। चार माताएं हैं इनके पीछे जिन्होंने सबसे ज़्यादा सहयोग किया, सामने है।
और ये माताएं इनको बना सकती हैं तो अपने को क्यों नहीं बना सकती। और एक बात और ध्यान दें, नारी में जो गुण ईश्वर ने दिए हैं, क्योंकि ये निर्माता है, क्योंकि इसको एक अत्यंत ऐसा कार्य करना है जिसमें कोमलता और दृढ़ता, बल सब कुछ चाहिए, ऐसी सहन शक्ति चाहिए, उसके साथ साथ उसमें प्रेम और करुणा दया सब चाहिए, वो कार्य उसको करना है। तो उसको वो रचना का कार्य करने के लिए ईश्वर की ओर से विशेष गुण दिए गए हैं। उसको एक बहुत छोटे से कोमल से पौधे का निर्माण करना, एक बिल्कुल जिसको कहते हैं कि पकड़ने में भी बड़ी कठिनाई होती है उस बच्चे को, ये जानती हैं कैसे पकड़ते हैं, उस मांस का लोथड़ा होता है, वो गर्दन भी नहीं हिला सकता, आपको तो पता भी नहीं होगा। ये पिता वर्ग तो एक तरफ रहता है, वो नहला धुला के साफ करके इनके गोदी में तो भी लेना नहीं चाहता, क्यों? क्योंकि अभी इसके पास वो सामर्थ्य नहीं, उसको दी गई है। इसको एक घंटा रखना पड़ जाए बच्चे को तो कठिन हो जाता, और वो दिन रात लगाती है बच्चे के पीछे। ऐसा गुण चाहिए था ना फिर यहाँ? और यदि ऐसा गुण आपको दिया गया है तो वो, क्योंकि वे सारे गुण अध्यात्म में अनिवार्य हैं, इनको भी लाने पड़ते हैं, वो करुणा, वो प्रेम, वो आत्मिक स्थिति, वो दयालुता, वो क्षमा, वो सब इन आचार्यों को सिखाई जाती है। होते हैं, ऐसा नहीं है कि सभी जीवात्माएं क्योंकि एक हैं, इस वर्ग में भी इस वर्ग में भी, लेकिन इसमें कठोरता बल ज़्यादा चाहिए, इनको वो गुण दिए गए हैं, क्योंकि इनको दृढ़ता चाहिए, इनको प्रबंध दूसरे करना है, इनको संसार में जाना है, उसको घर में रहना है, उसको भावना वाले गुण दिए गए हैं, इसको बुद्धि वाले गुण दिए गए हैं, बल वाले दिए गए हैं, तो उसको बुद्धि के साथ दूसरे गुण दिए हैं। दोनों ये पूरक हैं एक दूसरे के, पर जो गुण आपके पास हैं उसके लिए कहा है, यदि पुरुष में नारी के गुण आए तो वो क्या बनता है, सुना है कभी? आ गई बात, ये हमारे यहाँ बोला जाता है, यदि नारी के गुण पुरुष ले ले तो वो देवता हो जाता है, और यदि पुरुष के गुण नारी ले ले तो, ये भी बता दो, उल्टा हो जाती है। क्यों कहा था? इसलिए कहा था कि इसका कार्य बाहर का था, उसको बाहर नहीं जाना है, उसको वो वाले स्वच्छंदता वाले काम नहीं करने थे, उसको भीतर के करने थे। निर्माण का कार्य हमेशा नेव के अंदर होता है, भीतर होता है, अंधेरे में, और उसको वो काम करने थे जिसमें कि वो सारे गुण चाहिए थे जो भक्ति में भी चाहिए, ईश्वर के लिए भी चाहिए। तो ये जब अध्यात्म में आती हैं आत्माएं इधर वाली, उनको भी ये गुण लाने पड़ते हैं। आप आते हैं तो आपको भी बौद्धिक लाने पड़ते हैं, दोनों को पूर्ति करनी पड़ती है। पर आपके पास वो गुण अधिक हैं कि आप चाहें तो समाधि जल्दी होगी, पर आप, आपके सामने दो खड़े हों तो किसके पास पहले जाते हैं, इधर या उधर? माताओं से पूछ रही हूँ। आपके सामने दो आचार्य खड़े हैं, दो शरीर वाले, एक नारी शरीर और एक पुरुष शरीर, किस पर विश्वास अधिक होता है बताइए, बताइए, संकोच मत कीजिए, तो बता चुके, इनको सब पता है और ये सत्य पर हैं। होना किस पर चाहिए और होता किस पर है? देखो आप मेरी बात सुनिए, ईश्वर की ओर से देखते हैं अब, ठीक है? ईश्वर की ओर से क्या हुआ, सबको पुरुष शरीर को क्या मिला और नारी शरीर को क्या मिला, तुलना करिए। पुरुष शरीर को सबलता मिली, दृढ़ता मिली, सब कुछ मिला, ज्ञान भी मिला, मिला ना? और अब आगे चलिए, इसको क्योंकि सबलता है, सुरक्षा इसको वैसी नहीं चाहिए जैसी आपको चाहिए, तो इसको गुरुजन आसानी से ले लेते हैं, इसके लिए प्रबंध समाज आसानी से करता है, इसके लिए पुरुष वर्ग भी आसानी से कार्य कर लेते हैं, होता है ना ऐसा? अर्थात सभी की ओर से इसको, और फिर सबसे बड़ी माता जी को पुत्र ही चाहिए, ये और सहयोग होता है। ये सब कुछ किसके लिए हुआ? पुत्र वर्ग के लिए। अब नारी के लिए सुनिए, क्योंकि उसको कोमल वाले कार्य करने थे, ईश्वर ने पहले ही उसको बहुत कोमल बनाया, बल उसके पास कम हुआ, और उसके बाद उसको क्या क्या मिला, उसको अगर वो पहले तो वो निकल नहीं सकती घर से, किसी तरह ईश्वर की ओर बढ़ना चाहे तो
तो उस वाले स्तर पर उसके लिए स्थान नहीं, गुरु लोग उसको कर नहीं सकते क्योंकि वो कहाँ रखें, वो नहीं कर सकते प्रबंध, नहीं कर सकते। माताएं उस रूप में उसको सहयोग करना नहीं चाहती, भ्रातृवर्ग बदनामी के भय से नहीं करते, तो अब कहाँ जाएगी वो, कहाँ बनेगी? आप अपनी पीड़ा समझिए और इस बात का आप भी सहयोग करिए। जैसे वैदिक काल में माताओं और बहनों को भ्राता और पिता बनकर आप लोगों ने बढ़ाया और इन्होंने बढ़ना चाहा, वैसे ही अब आप अपने लिए खड़े होइए और आप भी पिता भाई बनकर सहयोग करें तो ये काम हो सकता है। पूज्य स्वामी जी का ये संकल्प था, उन्होंने हम सबसे प्रतिज्ञा कराई भी है कि स्वयं ईश्वर साक्षात्कार करो और फिर दूसरों को भी कराओ। तो मैं आपको इस रूप में ही प्रेरित करना चाहती हूँ कि अब आप भी करने और कराने की स्थिति में आए स्वयं के लिए। बाहर तो बहुत किया है, खुद खड़े होना सीखें अपने बल पर। ये लोग भी आपको सहयोग करें और हम सब मिलकर वैदिक संस्कृति को बढ़ा सकें, तभी हमारी मानव जाति की जो गाड़ी है वो ठीक चल पाएगी। अन्यथा एक पहिया यदि इसी तरह रहा तो हम कभी भी अपनी संस्कृति को वापस नहीं ला सके, ये बना नहीं सकेगी। और बड़े होने पर एक दो ही कोई निकल पाएंगे, कोई कोई ही आएगा ना, और यदि ये बना पाएगी तो ऐसा नहीं होगा, फिर निकलेगी वैदिक संस्कृति। तो इसलिए आप सब इस विषय में विचार करें और विचार कर पूज्य स्वामी जी महाराज और ईश्वर की आज्ञा का भी पालन करें। उन्होंने भी दोनों के लिए ही सब कुछ बनाया है, किसी एक के लिए नहीं बनाया है। ऐसा सोचकर आप सभी आत्माएं अपने को आत्मा जानकर एक दूसरे के पूरक बने, सहयोगी बने, और एक संस्था जैसी इनके लिए चल रही है ऐसी ही पूज्य स्वामी जी के नियमानुसार हम कन्याओं के लिए, महिलाओं के लिए, बहनों के लिए भी बन जाए, इसके लिए आप पहले सहयोग करें। ये लोग अवश्य करेंगे, ये पीछे भाई पिता तब बनेंगे जब आप खड़े होंगे। इसलिए आप सबसे मेरा यही निवेदन है, ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि हम सभी को सद्बुद्धि दें और हम इस कार्य को भी अत्यंत श्रद्धा से कर सकें। हम सभी को ये सफल होकर हम सभी स्वयं ऋषि बने, अन्यों को बनाएं। इति ओम शांति।